नमस्ते दोस्तों, आज हम आलू की इडली बनाएंगे। मैं सुमन स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल कुक विद सुमन राठौर पे। दोस्तों, वैसे जो ट्रेडिशनल इडली होती है वो चावल और दाल को भिगो करके बनाई जाती है, पर मैं यहाँ पर आज आपको बिल्कुल नए तरीके से आलू की इडली बनाना सिखाऊंगी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। और इसी के साथ मैं आपको मूँगफली की चटनी भी बनाना सिखाऊंगी। इन दोनों का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा होता है कि अगर आप इसे एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक कढ़ाई में आधा कप मूंगफली ले लेंगे। ये पूरी 100 ग्राम मूंगफलियाँ हैं। अब इन मूंगफलियों को हमें मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भुनना है। इस तरह से आप लगातार चलाते हुए मूंगफलियों को भून लीजिए। इन्हें हमें ज़्यादा देर तक नहीं भुनना है, बस इतना ही भुनेंगे ताकि जो इनका छिलका है वो आसानी से अलग हो जाए। छिलका सेपरेट होने तक इन्हें हम भूनते रहेंगे। ये देखिए, हमारी मूंगफलियाँ अच्छे से भून चुकी है। अब थोड़ी सी मूंगफलियों को लेके आप चेक कर लीजिए कि इनका छिलका उतर रहा है नहीं। ये देखिए, इस मूंगफली का छिलका आसानी से उतर रहा है। इसका मतलब हमारी जो मूंगफलियाँ हैं वो अच्छे से भून चुकी है। अब यहाँ पर हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे 10 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे ताकि मूंगफलियों का जो छिलका है वो आसानी से निकल पाए। अब इडली के लिए हम बैटर बना के तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर दो कच्चे आलू ले लिए हैं। इन्हें मैंने अच्छे से छील लिया है। अब इन्हें हम मोटा मोटा इस तरह से टुकड़ों में काट लेंगे। यहाँ पे आलूओं को आपको बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है, कच्चे आलू लेने हैं हमें। ये देखिए, मैंने आलूओं को यहाँ पर काट लिया है। अब इन्हें हम पानी में डाल के अच्छे से पहले धो लेंगे ताकि इनका जो स्टार्च है वो निकल जाए। ये देखिए, मैंने आलूओं को अच्छे से धो लिया है। अब इन्हें हम निकाल करके पीसेंगे। यहाँ पर मैंने एक मिक्सर जार में आलूओं को डाल लिया है। अब इसमें हम थोड़ी सी अदरक डालेंगे। यहाँ पर मैं आधा इंच अदरक ले रही हूँ और इसमें दो हरी मिर्च डाल देंगे। इससे जो हमारी इडली है इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, एक छोटी चम्मच जितना पानी डालना है इसमें हमें। अब इन सारी चीज़ों को हम पीस करके एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से पीस लिया है और इसका फाइन पेस्ट बना लिया है। इसमें आलू के टुकड़े बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए, बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाना है। अब इसे हम साइड में रख देंगे। अब मैंने यहाँ पर एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है। इस बाउल में हम सबसे पहले 1.5 कप सूजी ले लेंगे। यहाँ पे मैंने नॉर्मल वाली सूजी ली है जो हम उपमा बनाने के लिए या हलवा बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ये पूरी 300 ग्राम सूजी है। अब इस सूजी में हम जो हमने आलू का पेस्ट बना के तैयार रखा था ये पेस्ट डाल देंगे और इसमें 1 कप हम दही डालेंगे। ये पूरा 200 ग्राम दही है। दही आपको यहाँ पर खट्टी वाली लेनी है, फ्रेश दही नहीं लेंगे हम। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है आपको और इसको बिल्कुल अच्छे से गोल गोल घुमाते हुए आपको फेंट लेना है। ये देखिए, मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम आधी छोटी चम्मच नमक डाल देंगे। नमक आप अपनी स्वाद अनुसार यहाँ पर कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसमें आधी छोटी चम्मच हम रेड चिली फ्लेक्स डाल देंगे। इस इडली में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा और बहुत ही सुंदर लगेगी इडली। अब यहाँ पर मैंने 6 से 7 कड़ी पत्तों को बारीक काट लिया था, ये डाल देंगे इसमें। और थोड़ा सा इसमें हम हरा धनिया डाल देंगे। हरे धनिया को भी मैंने बारीक काट लिया था। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू की इडली में ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती है। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आ जाता है और दिखने में भी बहुत सुंदर लगती है। अब देखिए, जो बैटर है वो थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है मुझे, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। यहाँ पे हमें 2 टेबल स्पून जितना पानी डालना है। सारा पानी एक साथ नहीं डालेंगे क्योंकि जो बैटर है वो इडली का गाढ़ा ही होना चाहिए, ज़्यादा पतला बैटर बिल्कुल नहीं करना है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब देखिए, बैटर जो है हमारा इस कंसिस्टेंसी का होना चाहिए, इससे ज़्यादा पतला बिल्कुल नहीं करना है हमें। अब इनको हम ढक देंगे। यहाँ पे इस बैटर को हम ढक करके लगभग 15 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे जिससे हमारी जो सूजी है वो अच्छे से फूल सके। अब देखिए, जो मूंगफलियाँ हैं वो भी अच्छे से ठंडी हो चुकी हैं और इनका छिलका अब आसानी से निकल रहा है। तो हम सारे छिलके निकाल लेते हैं मूंगफलियों के। देखिए, मूंगफलियों के सारे छिलके मैंने यहाँ पर निकाल दिए हैं। अब इन मूंगफलियों को हम पीसेंगे। यहाँ पर मैंने मिक्सी के जार में सारी मूंगफलियों को डाल लिया है। अब इसमें हम 4 से 5 लहसुन की कलियाँ डाल देंगे और 2-3 हरी मिर्च डाल देंगे और 1 इंच जितना अदरक डाल देंगे इसमें हम, और यहाँ पर 1 छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे। अब इसमें हम 1 नींबू का रस डाल देंगे और इसमें 1 छोटी चम्मच नमक डाल देंगे। नमक आप अपनी स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं।
और थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को पीस करके इसकी हम चटनी बनाएंगे। दोस्तों मूंगफली की चटनी में पानी बहुत ज़्यादा लगता है, तो बीच बीच में आप इसे चला करके चेक करते रहिए। ये देखिए ये अभी बहुत गाढ़ी है, मैं आपको दिखा देती हूँ, या फिर काफ़ी गाढ़ी है और जो मूंगफलियों के टुकड़े हैं वो भी इसमें हैं, अभी अच्छे से पिसी नहीं है, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी और डाल देंगे, 2 बड़े चम्मच जितना पानी हम इसमें और डाल देंगे और इसे हम फिर से पीस लेंगे। ये देखिए मैंने इसे अच्छे से पीस लिया है, जो हमारी मूंगफली की चटनी है वो एकदम बनकर रेडी है। ये देखिए एकदम अच्छे से पीस गई है, इसमें बिल्कुल भी दाने नहीं रहने चाहिए मूंगफली के, एकदम फाइन पेस्ट बनाना है आपको इसे। अब हम मूंगफली में तड़का लगाने के लिए तड़का तैयार करते हैं। यहाँ पर मैंने एक तड़के पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है, 2 टेबल स्पून से ज़्यादा ऑयल बिल्कुल नहीं लेना है हमें। अब इसमें हम 1 लाल मिर्च डाल देंगे और 1/4 छोटी चम्मच इसमें हम हींग डाल देंगे। अब हींग से बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाएगा चटनी में। अब इसमें 1 छोटी चम्मच राई डाल देंगे। ये देखिए राई हमारी अच्छे से तड़क चुकी है। अब इसमें 6 से 7 कड़ी पत्ते डाल देंगे और फ्लेम को यहाँ पर बंद कर देंगे। तड़का हमारा बनकर के एकदम रेडी है, अब इसे हम फटाफट से चटनी में डालेंगे। पूरा तड़का नहीं डालना है, आधा तड़का हम बचा के रखेंगे बैटर के लिए। अब इसे हम अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं और चटनी हमारी बनकर के एकदम रेडी है। बहुत ही टेस्टी चटनी बनी है दोस्तों, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे अब हम साइड में रख देते हैं और अब जो हमारा बैटर है इसे भी 15 मिनट हो चुके हैं, इसे हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए बैटर काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, सूजी काफ़ी अच्छे से फूल गई है। अब इसमें हमने जो तड़का बचा के रखा था ये तड़का डाल देंगे इसके अंदर, इससे बहुत ही अच्छा कलर आ जाएगा बैटर में। और इसमें 1 छोटी चम्मच इनो पाउडर डाल देंगे और थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे, लगभग 2 बड़े चम्मच जितना पानी डाल देंगे हम इसमें। और अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आपको एक बात का खास ख्याल रखना है कि जो बैटर है वो ज़्यादा पतला नहीं करना है हमें, बैटर यहाँ पर थोड़ा गाढ़ा ही होना चाहिए, इडली का बैटर गाढ़ा ही होता है। ये देखिए बैटर इस कंसिस्टेंसी का होना चाहिए, इससे ज़्यादा पतला बिल्कुल भी नहीं करना है हमें बैटर को। अब जो बैटर है वो एकदम रेडी है, इसे हम साइड में रख देते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक इडली कुकर ले लिया है, इस इडली कुकर में हम पानी डाल देंगे। यहाँ पर मैं 1 बड़ा ग्लास पानी डाल रही हूँ, ये लगभग 400 से 450 ml पानी है, इतना पानी तो आपको डालना ही है इसमें। अब इसे आप ढक करके मीडियम फ्लेम पर इसे हम बॉईल होने देंगे। अब जब तक पानी बॉईल होता है जो इडली के सांचे हैं इन्हें हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। आप ऑयल या घी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, इसे हम फटाफट से ग्रीस कर लेंगे। इससे क्या होगा, इडली तले में चिपकेगी नहीं और एकदम फूली हुई बनेगी। मैं सारे सांचों को इस तरह से ग्रीस कर लूँगी ऑयल से। अब मैंने सारे सांचों को ग्रीस कर लिया है, इसमें फटाफट से हम बैटर को डाल लेते हैं। ज़्यादा भर भर के नहीं डालना है हमें, आपको 1-1 चम्मच ही इसमें डालनी है, क्योंकि अगर ज़्यादा भर के आप डाल देंगे तो इडली फूल करके बाहर आ जाएगी। इस तरह से सारे सांचों में हम बैटर को डाल लेंगे। ये देखिए मैंने बैटर को डाल लिया है सारे सांचों में। अब इसे हम फटाफट से इडली कुकर में रखेंगे। ये देखिए पानी जो है वो अच्छे से बॉईल हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसमें हम सांचे को रख देते हैं, सांचे को मैंने रख दिया है इसके अंदर। अब इसे हम ढक देंगे और ढक करके 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। 15 मिनट में ये पक करके रेडी हो जाएगी। ये देखिए 15 मिनट हो चुकी है, इसे हम चेक कर लेते हैं। देखिए इडली हमारी अच्छे से फूल गई है। अब हम क्या करेंगे, एक टूथपिक लेंगे और टूथपिक को इसके अंदर डाल करके देखेंगे। अगर ये टूथपिक एकदम साफ आ रही है तो इसका मतलब हमारी इडली अच्छे से पक चुकी है। ये देखिए एकदम साफ है ये। अब इसे हम बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने सारी इडलियों को यहाँ पर बाहर निकाल लिया है। अभी ये बहुत गर्म है, इसे हमें ठंडा होने देना है, गर्म गर्म नहीं निकालेंगे हम। इडली हमारी अच्छे से ठंडी हो चुकी है, अब इसे हम एक नाइफ से बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने एक नाइफ़ ले लिया है, आप नाइफ़ की जगह स्पून का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से इसे गोल घुमाते हुए आप आसानी से बाहर निकाल लीजिए।
अगर आप इसे गर्म में ही बाहर निकालेंगे तो इसको टूटने का डर रहता है। ठंडे होने के बाद ये देखिए आसानी से बाहर निकल गई है ये, और देखिए कितनी फूली हुई और जालीदार इडली बनी है। आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट और बढ़िया इडली बनी है। अब मैं सारी इडलियों को सेम इसी तरीके से बाहर निकाल लूँगी। बहुत ही आसानी से ये बाहर निकल जाती है, ये देखिए बिल्कुल आसानी से बाहर निकल गई है। तो दोस्तों हमारी आलू की इडली बनकर एकदम रेडी है। आप इसे गर्मा गर्म मूँगफली की चटनी के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।